सबसे पहले तो आप लोग ये वीडियो देखिए। नीरज चोपड़ा, ये वो नाम है जिसे आज पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। 13 वर्ष का वनवास भोगने के बाद आखिरकार हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा की पीठ पूरा हिंदुस्तान थपथपा रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ लिब्रांडो गैंग है नीरज चोपड़ा को संघी और इनको अंधभक्त कहकर इन्हें ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, यहां पर नीरज चोपड़ा ने 13 वर्ष के बाद हिंदुस्तान को ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जिता कर दिया, लेकिन जैसे इनको पता चला कि नीरज चोपड़ा भी मोदी समर्थक है तो इन्हें अंधभक्त और पर उन्हें संगी कहकर ट्रोल करना आरंभ कर दिया गया। नीरज चोपड़ा ने बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। यहां पर उन्होंने तिरंगे के लिए, ध्यान से सुनिएगा कि तिरंगे के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन कुछ लिब्रांडो गैंग को सिर्फ और सिर्फ उस तिरंगे का भगवा नजर आया तो नजर के खोट आप में है, नीरज चोपड़ा में नहीं। आगे कुछ ट्वीट दिखाते हैं नीरज चोपड़ा के, जो यहां पर बताते हैं कि वो किस तरह से मोदी समर्थक है और मोदी ने समय समय पर उनकी सहायता की है और यही बात कुछ लिब्रांडो गैंग को खटक रही है। आगे हम ट्वीट देखते हैं। अब ये सारे ट्वीट्स देखने के बाद आप लोग को पता चल गया होगा कि आखिरकार नीरज चोपड़ा को संघी और यहां पर भक्त कहकर ट्रोल क्यों किया जा रहा है। ये सारे ट्वीट्स के अंदर इतनी ज्यादा नफरत है इन लिब्रांडो की, लेफ्ट विंगर्स की, कि इनके आइडियोलॉजी कुछ इस तरह से है कि अगर आप लोग देश के लिए गोल्ड मेडल लाते हैं भाला फेंक के तो आपको एप्रिसिएशन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं या फिर आप संघी हैं। लेकिन अगर कोई आजादी का भटका हुआ नौजवान हाथों में पत्थर लेके जब जवानों पर पत्थरबाजी करता है तब उसके विषय में बात करना चाहिए, क्योंकि वो देश का नौजवान है, देश का युवा है। गजब की दोगलापंती होती है इन लोगों की। साथियों, देश के नौजवान की जब बात चली है तो विशाल युद्ध को हम कैसे भूल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब खलिस्तानी के गुंडे, खलिस्तानी के आतंकवादी जब हमारे भारत का तिरंगा जला रहे थे तो विशाल युद्ध वहां पर अकेला इन खलिस्तानियों से भिड़ गया। उसी के सपोर्ट में नीरज चोपड़ा ने ट्वीट किया था। अब नीरज चोपड़ा का यह ट्वीट होने के बाद खलिस्तानी के कुछ सपोर्टर आगे आ जाते हैं और नीरज चोपड़ा को डिफेम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन भाई साहब, डिफेम करना संघियों को आप लोग को भारी पड़ सकता है, क्योंकि आप हमारे बारे में सिर्फ उल्टा सुल्टा बोल सकते हो, कभी बराबरी नहीं कर सकते, और यही बात सिद्ध करके दिखाया है नीरज चोपड़ा ने। अब आप लोग को मैं दिखाता हूं कि यहां पर लेफ्ट विंगर राइट विंगर में डिफरेंस क्या होता है। बजरंग पुनिया ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया था। इससे पहले भी हम लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही खालिस्तानी सपोर्टर का बात चला किसान आंदोलन का पूरा रुख बदल गया था। उसके बावजूद भी बजरंग पुनिया ने सरकार को डिफेम करने वाले ट्वीट किए, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने देश के लिए मेडल जीता है और हम लोगों के लिए वो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट विंगर और राइट विंग में बस यही फर्क होता है कि जो देश का सम्मान करे, देश को आगे बढ़ाए, हमारे लिए वो पूजनीय है, हमारे लिए वो हमारे आइडल है। लेकिन यहां पर जितने भी लेफ्ट लॉबी होते हैं, लेफ्ट लॉबी का बस एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह से आप लोग देश के विरोध में होना चाहिए। देश विरोधी कृत्य होने वाले हैं तो उसके समर्थन करने होने चाहिए, पत्थरबाजों के समर्थन में ट्वीट आने चाहिए, तभी जाकर आप लोग इनके कैटेगरी के अंदर फिट होंगे। जर्मन शेफर्ड, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। क्या जर्मन शेफर्ड के अंदर अब यह ताकत है कि बजरंग पुनिया के साथ साथ यहां पर हमारे चोपड़ा भाई साहब के ऊपर भी वीडियो बनाकर दिखाए, उनकी जर्नी को बताकर दिखाए? नहीं, क्योंकि इनकी दोगली पंती इन्हें यह करने का हुकुम नहीं करती। इससे पहले भी जर्मन शेफर्ड ने कई वीडियो बनाए, लेकिन जर्मन शेफर्ड के समर्थक या फिर यह खुद इसके विषय में एक बात भी नहीं कहेगा, क्योंकि हम लोग प्राउड संघी है और हां, प्राउड भक्त भी। तो ओलंपिक के अंदर मेडल लाना हो या फिर देश विरोधी करने वालों की धज्जियां उड़ानी हो, इन सभी के अंदर हम लोग आगे होते हैं, क्योंकि हमारा यही इतिहास है।